एक समय की बात है, एल्डोरिया के छोटे से गांव में ओलिवर और लिली नाम के दो भाई बहन रहते थे। बड़ा भाई ओलिवर अपने जिज्ञासु स्वभाव और साहसिक भावना के लिए जाना जाता था, जबकि छोटी बहन लिली के पास दयालुता से भरा दिल और एक कल्पना थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, एल्डोरिया पर गर्म चमक बिखेरते हुए ओलिवर और लिली को अपने दादा की अटारी में एक प्राचीन धूल भरी किताब मिली। घिसे हुए चमड़े में बंधी किताब से एक नरम जादुई चमक निकल रही थी। इसके पन्ने उनके बेतहाशा सपनों से परे एक छिपी हुई दुनिया की कहानियां फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। उत्सुकतावश भाई बहनों ने किताब खोली और तुरंत झिलमिलाती रोशनी में डूब गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्होंने खुद को एक लुभावने जादुई जंगल के बीच में खड़ा पाया। पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और रंग बिरंगे फूल धुन गाते थे जो हवा में नृत्य करते थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक शाखा पर बैठा हुआ ओलिवर और लिली के पास आया। उल्लू ने घोषणा की, नमस्कार युवा यात्रियों, आप जादू और आश्चर्य की भूमि एल्डोरिया के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। ओलिवर और लिली ने एक दूसरे को चकित होकर देखा। हम यहाँ कैसे आए? ओलिवर ने पूछा। उल्लू ने समझाया, आपने जो किताब खोजी है वह एल्डोरिया का एक द्वार है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कल्पना जीवन में आती है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह दुनिया चुनौतियों से रहित नहीं है। केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही इसके रहस्यों से निपट सकते हैं। नए दृढ़ संकल्प के साथ ओलिवर और लिली एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। मंत्रमुग्ध जंगल उनकी यात्रा की शुरुआत थी। उन्होंने बात करने वाले जानवरों का सामना किया, रहस्यमय प्राणियों से मित्रता की और पहेलियां सुलझाई जिन्होंने भाई बहन के रूप में उनके बंधन का परीक्षण किया। जैसे ही वे एल्डोरिया में गहराई तक गए, उन्हें एक पहाड़ के ऊपर एक छिपा हुआ महल मिला जिसकी रक्षा एक शरारती अजगर कर रहा था। एम्बर नाम के ड्रैगन ने उनके साहस और दयालुता को साबित करने के लिए उन्हें कई कार्यों के लिए चुनौती दी। ओलिवर और लिली ने अपनी अद्वितीय शक्तियों के साथ बाधाओं पर काबू पाते हुए प्रत्येक चुनौती का कंधे से कंधा मिलाकर सामना किया। रास्ते में उन्हें पता चला कि एक दूसरे के लिए उनका प्यार एक शक्तिशाली जादू था जिसने उनके संबंध को मजबूत किया और उन्हें किसी भी परीक्षण पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दी। अंत में वे महल के मध्य में पहुंचे जहां एक जादुई दरवाजे ने उनकी अपनी दुनिया में वापस जाने का द्वार खोल दिया। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक बार फिर प्रकट हुआ और उन्हें उनकी बहादुरी और एकता के लिए बधाई दी। उपलब्धि की भावना के साथ ओलिवर और लिली ने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा और अटारी पर लौट आए जहां उनका साहसिक कार्य शुरू हुआ था। मंत्रमुग्ध पुस्तक अब बंद हो गई है।